दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आपके लिए हिंदी साहित्य में यहाँ पर 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो जो भी ये परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप इसको जो है डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? संस्थापक आपसे पूछा गया है, मुनेश जी, सरोज जी, आस्था जी, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर एक में आप सभी का सही राइट आंसर। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक बताना है, हरिवंश है, चैतन्य महाप्रभु है, हरिदास निरंजनी है या फिर लालदास है। और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने प्रमोद जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। प्रयाग से प्रकाशित होने वाले हिंदी मासिक पत्र प्रदीप के संपादक थे कौन थे, इसके संपादक बताइएगा। पायल जी, कल्पना जी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर दो में आप सभी का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राजा शिव प्रसाद हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और बालकृष्ण भट्ट सभी लोग बता रहे हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को अधिकार, ये पंक्तियां किस रासु काव्य की हैं? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तीन में, विकल्प नंबर क्या राइट आंसर, डी राइट आंसर, यानी कि तीन में परमाल रासु आप सभी का सही राइट आंसर है, जो कि जगन्नाथ जी का ही रासु ग्रंथ माना जाता है परमाल रासु, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना किया, भाई लेखिका आपके लिए बताना, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, होमवती देवी है या सत्यवती मलिक है। क्या होगा सही राइट आंसर, मनीष जी, कल्पना जी, सरोज जी, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर चार है और चार में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि महादेवी वर्मा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, DAV स्कूल और DAV कॉलेज की स्थापना किसने की, बताइएगा, चयन कीजिएगा, सनातन धर्म सभा ने या फिर आर्य समाज ने या नागरी पहचानी सभा ने या हिंदी साहित्य सम्मेलन ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर पांच आपसे पूछा गया है और पांच का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ये चार विकल्प आपके दिए गए हैं, DAV स्कूल और DAV कॉलेज की स्थापना पूछा है पांच में, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि आर्य समाज यहाँ पर जो है वैसा ही राइट आंसर यहाँ पर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी जाती है, वह उपाधि आपके लिए बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, विद्यालंकार, साहित्य प्रभाकर, साहित्य के स्नातक या फिर हिंदी साहित्य रत्न। क्वेश्चन नंबर छह का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, कौन सी उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी जाती है
वह उपाधि आपके लिए बताना है मीनाक्षी जी। तो विकल्प नंबर छह में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी यानी कि अनिल जी, यहाँ पर हिंदी साहित्य रत्न आप सभी का सही राइट आंसर होगा। ये जो उपाधि है ये उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर चार। क्वेश्चन नंबर आपसे साथ यहाँ पर पूछा गया है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर साथ पूछा गया है, अमृत अवेश, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या फिर अंतराल। क्वेश्चन नंबर सात में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है। साथ में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है बी यानी कि झूठा सच। तो झूठा सच आप सभी का बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर बी वाला विकल्प बताया है। पृथ्वीराज रासु बताना है ये किस काल की रचना मानी जाती है। आठ का सही राइट आंसर बताइएगा, भक्ति काल, आधुनिक काल, आदि काल या फिर रीति काल। पृथ्वीराज रासु बताइएगा, चयन कीजिएगा किस काल की रचना मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिरनी जी, तनु जी, तन्मय जी और आप सभी का आठ में राइट आंसर आ रहा है, ये आदि काल की रचना मानी जाती है। कौन सी? पृथ्वीराज रासु, पृथ्वीराज रासु आदि काल की रचना, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नौ यहाँ पर देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी कोश शब्द सागर का संपादन किसने किया था। शब्द सागर का संपादन पूछा गया है आपसे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर नौ में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी कोश शब्द सागर का संपादन किन्होंने किया था। तो आप सभी का सही राइट आंसर है आचार्य शुक्ल जी ने, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। हाँ मनीष जी, सुबह वाली क्लास और शाम को चार बजे वाली क्लास, ये दोनों क्लासें आज नहीं हुई थी। और क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा 10वां क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं। 10 में आपके लिए बताना है, राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या फिर उपभाषा कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। 10 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बोली बोलते हैं इसको, बोली कहते हैं किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। वह कवि आपके लिए बताना, मीराबाई हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूरदास हैं या फिर रहीम जी हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर राजन जी यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर सी यानी कि सूरदास। सूरदास आप सभी का सही राइट आंसर है कि किस कवि ने अधिकांश कविताएं जो हैं ब्रज भाषा में लिखी हैं। तो आप सभी का सही राइट आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का संबंध किससे है बताइएगा। 12 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, हिंदी का संबंध किससे है, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं तो सभी लोग बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर कि विकल्प नंबर यहाँ पर 12 में एक राइट आंसर है, यानी कि नीतू जी, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का संबंध पूछा है। तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती। वह भाषा आपके लिए बताना है, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा या फिर बोली। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
आलोक जी, देवव्रत जी, और 13 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि बोली आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बोली आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा गया है, नीचे लिखी कौन सी भाषा बोली है, भाई आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, छत्तीसगढ़ी या फिर खड़ी बोली या फिर अंग्रेजी या फिर संस्कृत। नीचे लिखी कौन सी भाषा बोली है। संजू जी, प्रमोद जी, सभी लोग बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 14 में, कौन सी भाषा बोली है। तो आप सभी का छत्तीसगढ़ी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है छत्तीसगढ़ी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह बहुत सारे लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी किस भाषा की भूमिका निभा रही है। ये आपको बताना है, मातृभाषा की भूमिका निभा रही है, संपर्क भाषा, व्यावसायिक भाषा या फिर मौखिक व्यवहार की भाषा। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर 15 में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और विकल्प नंबर जिन्होंने चयन किया है बी, यानी कि संपर्क भाषा, तो उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है। तो विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यापति की पदावली की भाषा बताना है, क्या भाषा है, संस्कृत है, पाली है, मैथिली है या फिर अभट्ट है। विद्यापति की पदावली, इसकी भाषा बताइएगा क्या मानी जाती है। 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पदावली की पूछा है, विद्यापति की रचना जो पदावली है इसकी भाषा मानी जाती है, क्या मानी जाती है, मैथिली। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा, बताइएगा। विजय जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये संस्थान यहाँ पर संस्थाओं का कालक्रम इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है 17 में, आपके लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और डायरेक्ट जो सही आंसर है वह बता देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही राइट आंसर होगा 17 में वह बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। नांगरी पहचानी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई और राजभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये वाला विकल्प जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोटज के लेखक आपके लिए बताना है, और ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है, 18वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। राजन जी बहुत बढ़िया, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 18 में, क्या होगा राइट आंसर, कोटज। कोटज पूछा और अपन जो है इसको याद भी किया है कि हजारों बार कोटे हैं अपन, हजारों बार, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी और कोटे से कोटज, आप सभी का सही राइट आंसर है। तो कोटज जो है एक रचना मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा गया है, जैन दर्शन का प्रवर्तन किसने किया है, कपिल ने या फिर कणाद ने, पार्श्वनाथ ने या फिर जैमिनी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 है, और 19 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। हाँ विजय जी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 19 में जैन दर्शन का प्रवर्तन किसने किया है, ये पूछा गया है 19 में, तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी, यानी कि पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ आप सभी का सही राइट आंसर है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होती हैं,
24 तीर्थंकर पूछे जाते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, उन्हीं तीर्थंकरों में से एक है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म में एक भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान, और जैन दर्शन का प्रवर्तन इन्होंने ही किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों और संस्थापकों का सही इनामों को सम्मिलित करना है यहाँ पर 20 में, तो चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। और आपका यहाँ पर देखिए ये आपके यहाँ पर कोड जो है ऊपर नीचे हो गए हैं, तो 20वां क्वेश्चन है और 20वें आपके कूट यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके कूट हैं, तो यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो इसको जो है चलिए सम्मिलित कर देते हैं। श्री संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, रामानुज हो जाएंगे, श्री संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हो जाएंगे, सनकादि संप्रदाय। इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, कोड में आपका ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संत कवियों का सही कालक्रम ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा रामेंद्र जी सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर पिंकी जी यहाँ पर आ रहा है, क्या होगा सही राइट आंसर, संत कवियों का सही कालक्रम ज्ञात कीजिएगा 21 में, तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, दादू सुंदरदास मलुकदास अक्षर अनन्य, ये वाला विकल्प आपका बी वाला जो है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही बी वाला सही राइट आंसर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है, जिसे हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा, रामचरितमानस है, कविता बली है, विनय पत्रिका है या जानकी मंगल है। तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है, जिसे साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है, 22 में रामचरितमानस विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर लगा दीजिएगा, रामचरितमानस आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है, 23 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा या फिर साहित्य लहरी, कौन सा वह ग्रंथ जो है तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है, नहीं बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि जो विकल्प नंबर डी में जो ग्रंथ दिया गया है साहित्य लहरी तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया ये ग्रंथ, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 24 पूछा गया है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके लिए चयन करना है, मृणाल पांडे हैं, रविंद्र कालिया हैं, प्रभाकर श्रोत्रिय हैं या ज्ञान रंजन हैं। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, बिल्कुल सही। और नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक पूछा गया है 24 में, और 24 का आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा देते हैं, यानी कि रविंद्र कालिया होंगे या फिर ज्ञान रंजन, मृणाल पांडे या फिर प्रभाकर श्रोत्रिय, क्या होगा सही राइट आंसर, ज्ञान रंजन होगा, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक पूछा है, तो आप सभी का जो विकल्प नंबर डी है वह सही राइट आंसर होगा, ज्ञान रंजन आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए, संपादक पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर, चयन कीजिएगा सभी लोग, एक बार जो है शेयर भी कर देंगे क्लास को, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो है इससे जुड़ जाएं। और आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर है 25 में आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आप सभी का विकल्प नंबर 1 आ रहा है राइट आंसर 25 में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता, ये तो सभी से बन जाएगा, बताइएगा, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस, 26वां क्वेश्चन है,
रामचरितमानस में बताना है रामचरितमानस में किस रस की प्रधान्यता है। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि रामचरितमानस में किस रस की प्रधान्यता है, तो शांत रस सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा, शांत रस सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। रामचरितमानस की रचना किस काव्य रूप में की गई है बताइएगा, खंड काव्य में, मुक्तक काव्य में, महाकाव्य में, गद्य गीत में, तो अब भी पढ़ा था अपन ने रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना जो है किस काव्य रूप में की गई है, 27 में आपके लिए चयन करना है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 में सरोज जी सुरेंद्र जी सी राइट आंसर होगा, यानी कि महाकाव्य आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, महाकाव्य जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं, इतने सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सर्ग पूछा गया है बताइएगा, 4 सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं, 9 सर्ग हैं या फिर 10 सर्ग हैं, चयन कीजिएगा कंचन यादव जी। क्वेश्चन नंबर 28 है और रामचरितमानस में सर्ग पूछा है 28 में, विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की है बताइएगा, क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, कैसा गया अनिल जी पेपर आपका, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा ब्रजभाषा, ब्रजभाषा आप सभी का सही राइट आंसर है, विनय पत्रिका की रचना जो है तुलसीदास जी ने की है किस भाषा में, ब्रजभाषा में, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कौन सा काव्य रहीम की रचना नहीं है बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काव्य कल्पद्रुम या वरवई नायिका भेद, राजपंचाध्यायी या फिर मदनाष्टक, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछा गया है, 30 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा, और बिल्कुल सही राइट आंसर, एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। तो विकल्प नंबर एक काव्य कल्पद्रुम जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पहाड़ दुहा की रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 है, पुष्प दंत है, रामसेन है, सरहपा है, धनपाल है, ये चार विकल्प है, 31वां क्वेश्चन यहाँ पर है और क्या होगा इसका सही राइट आंसर, पहाड़ दुहा पूछा है आपसे बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 31 में जो यहाँ पर दिया गया है क्या विकल्प नंबर बी भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी रामसेन आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश रोला बिल्कुल भिन्न है बताइएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपसे पूछा गया है 32 है और 32 का सही राइट आंसर क्या होगा, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल तन्मय जी मिलते हैं और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर है, और यहाँ पर आपका सही राइट आंसर क्या होगा 32 में, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, यानी कि संत काव्य आप सभी का सही राइट आंसर होगा, संत काव्य होगा सही राइट आंसर, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। हिंदी काव्य के आधुनिक युग का श्री गणेश किस साहित्यकार के साथ हुआ है बताइएगा, चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग चयन करेंगे, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं,
क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो यहां पर दिया गया है 33 में, क्या होगा राइट आंसर 33 में आप सभी का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी काव्य के आधुनिक युग का जो श्री गणेश जो है किस साहित्यकार के साथ हुआ है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म 1850 में और निधन 1885 में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया है, मुंशी अंसा अल्लाह खां की भाषा की विशेषता क्या थी, बताइएगा, चयन कीजिएगा, सभी लोग चयन करेंगे, उसका जो है संस्कृत निष्ठ रूप, साहित्यिक खड़ी बोली रूप, या फिर चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप, या व्यवहारिक तुकबंदी की अधिकता। यहाँ पर 34वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। हाँ विजय जी बिल्कुल, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर, लाइक कर लें सभी लोग, बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। और 34 में विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, चटपटीपन के साथ बोलचाल का रूप, ये वाला विकल्प जो सी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। नास्ता जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत की संपत्ति विदेश चली जाती है और यह देश की व्यथा का कारण है, यह भाव किस कवि द्वारा कविता में व्यक्त किए गए हैं, बताइएगा। तन्मय जी बिल्कुल, तो 35 का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चयन कीजिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत की संपत्ति विदेश चली जाती है, देश की व्यथा का कारण है, भाव किस कवि द्वारा कविता में व्यक्त किया गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 35 का विकल्प नंबर ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना की है, वह भाषा आपके लिए बताना है, बताइए। यश शर्मा जी और प्रीति जी सभी लोग चयन करते जाइएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो आप सभी का सही राइट आंसर अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, तो 36 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, डी यानी कि ब्रजभाषा आप सभी का सही राइट आंसर है। कमल जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, ब्रजभाषा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे लिखी रचना में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है या इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, वह रचना आपके लिए बताना है, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, या फिर प्रेम माधुरी, या फिर नील देवी, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 37वां क्वेश्चन पूछा गया है और 37 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो रचना भारतेंदु जी की नहीं है भाई आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, बी आप सभी का सही राइट आंसर है, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी आप सभी का अनिल जी बिल्कुल सही राइट आंसर, ये रचना जो है भारतेंदु जी की नहीं मानी जाती है, विकल्प नंबर दो आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा युग्म असंगत है, असंगत युग्म का चयन करना है आपके लिए, बताइएगा, चयन कीजिएगा, बरवई रामायण तुलसीदास, बरवई नायिका वेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, और विज्ञान गीता की शब्दास, असंगत यानी कि सही नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 38 पूछा गया है और 38 का सही राइट आंसर है कि जो यहाँ पर सी वाला विकल्प है कृष्ण गीतावली, ये सूरदास ये युग में जो है आपका कैसा है, असंगत युग में है, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, सही युग में नहीं है आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी लोगों ने यहाँ पर सी वाला विकल्प बताया है, बहुत बढ़िया। कल्पना पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किस नगर से होता था, वह नगर आपके लिए बताना है, कौन सा वह नगर था, कलकत्ता था, हैदराबाद था, अहमदाबाद था, या फिर इलाहाबाद था, बताइए। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल सूरदास जी की रचना नहीं मानी जाती है कृष्ण गीतावली, इसलिए जो है ये आपका असंगत था। और जो कल्पना पत्रिका इसका प्रकाशन किस नगर से होता था, 39 में सही राइट आंसर है, हैदराबाद, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा।
हैदराबाद सही राइट आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? वह निर्देशक आपके लिए बताना 40 में गिरीश कर्नाड है, इब्राहिम अलका जी है, सत्यदेव दुबे हैं या फिर कारंते हैं। 40 का सही राइट आंसर बताइए, 40 में सही राइट आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है गिरीश कर्नाड ने। गिरीश कर्नाड यानी कि रॉली जी विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। गिरीश कर्नाड राइट आंसर है। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? यात्रा पर आधारित रचना की बात करते हैं यहाँ पर अज्ञेय जी की, वो भी एक बूंद सहसा उछली या फिर आत्मनिपद, बाबरा अहेरी या फिर जयदोल। और शिल्पा जी यहाँ पर सही राइट आंसर आप सभी का होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका 41 में जो दिया गया है यहाँ पर एक, वह आप सभी का सही राइट आंसर है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय जी की रचना है, पूछी जाती है और ये यात्रा पर आधारित रचना मानी जाती है, एक बूंद सहसा उछली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 42 पूछा गया है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइएगा। 42 में आप सभी का सही राइट आंसर है रांगी राघव, फणेश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या राम वृक्ष बेनीपुरी। बताइए प्लाट का मोर्चा क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? और आप सभी का सही राइट आंसर है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा जो भी संभालेगा वह कोई शमशेर ही होगा। जो प्लाट का मोर्चा संभालेगा वह कैसा होगा? बहादुर होगा। बहादुर कैसा होगा? शेर होगा या बहादुर, अच्छा शेर जैसा बहादुर होगा। तो शमशेर बहादुर से आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा बताना है जुबीर खान जी, क्या होगा सही राइट आंसर? कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा बताना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। एक कहानी मानी जाती है और इस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 43 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है शिवमूर्ति। शिवमूर्ति आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है और 44 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर दिया गया है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यास में बताइए और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। कालक्रम की दृष्टि से पूछा है तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 44 में बी राइट आंसर है भूतनाथ, उसके बाद डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं और अंतिम अरंड ए वाला विकल्प आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी इन ग्रंथों का सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। हाँ तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 44 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर? तो सॉरी 45वां क्वेश्चन है और आपका एक यहाँ पर सही राइट आंसर है 45 में, यानी कि नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन, ये वाला जो विकल्प है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 पूछा गया है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर एक बार आप कूट देख लीजिएगा, ये कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या होगा सही राइट आंसर? तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी आलोचना कृति कौन सी मानी जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कबीर।
कबीर मानी जाती है। नगेंद्र जी की कौन सी कृति मानी जाती है? रस सिद्धांत नगेंद्र। डॉक्टर देवराज, देवराज जी की जो कृति मानी जाती है छायावाद का पतन, और मुक्ति बोध जी की कृति मानी जाती है साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपकी बात करें तो विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है 4, 5, 2, 1 ए वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 47 पूछा गया है। यहाँ पर भी आपके लिए जो है कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या है? और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आप सभी का यहाँ पर कि विकल्प नंबर यहाँ पर 47 में एक राइट आंसर होगा, संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क, ये वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 48 में भी आपको यही बताना है कि कालक्रम की दृष्टि से इन कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, बताइएगा। कालक्रम की दृष्टि से आपके लिए चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर, क्या रहा है राइट आंसर? बिल्कुल शिल्पा जी, संगीता जी, और 48 में आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर, उसने कहा था कफन खोज और यही सच है, ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। यहाँ पर भी आपको 49 में भी यही बताना है कि हिंदी साहित्य लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्रीति जी और देवव्रत जी, कंचन जी, विजय जी, लाइक सभी लोग करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, 49 का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मिश्र बंधु सबसे पहले, उनके बाद रामचंद्र शुक्ल, उनके बाद रामकुमार वर्मा और उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में भी आपको इन काव्य शास्त्र ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर 50 में सही राइट आंसर होगा, ये विकल्प दिए गए हैं आपके, इनमें से तन्मय जी चयन कीजिएगा कौन सा विकल्प सही राइट आंसर होगा, मैं विकल्प आपको बताना है। मेघा जी लाइक करते जाइएगा और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 50 में, विकल्प नंबर जो यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा विकल्प नंबर 50 में, बी साहित्य दर्पण, और यहाँ पर काव्यानुशासन, रसमंजरी और रस गंगाधर, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 91 भी वही पूछ लिया गया है, इन कृतियों का कालक्रम बताना है, बताइएगा। नहीं, अब जो है ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस प्रकार का कालक्रम वाला, आपके लिए जो है सन भी याद करते करना है, इन कृतियों के सन भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर सही जो क्रम होगा 51 में वह वाला वह कौन सा क्रम होगा, तो सुखमय जीवन, दो बाके, शरणार्थी और ठुमरी, ये वाला विकल्प जो है डी वाला विकल्प भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अंधायुग किसकी रचना मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 में आप सभी के लिए सही राइट आंसर बताना, नरेश मेहता, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या फिर दुष्यंत कुमार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंधायुग बताना है और अंधायुग मानी जाती है रचना किनकी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है नेहा जी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है अंधायुग। कोटा जी बताना है, कोटा जी के लेखक कौन है, तो अब भी पढ़ा था अपन ने कि हजारों बार कुटे
तो हजारों से हजारी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी और कोटे से कोटज आपका सही राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांति की है बताइएगा। अमरकांति की रचना पूछी जाती है बताइएगा अमृतसर आ गया, जिंदगी और जौक, टूटना या फिर परिंदे, बताइए सैनी जी क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा विकल्प है 54 और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही राइट आंसर होगा 54 में वह होगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि जिंदगी और जौक। जिंदगी और जौक से जो है अमर हो गए, जिंदगी और जौक से क्या हो गए अमर हो गए, तो अमर कांत जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे 55 पूछा गया, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, ये किसकी पंक्ति है बताइएगा, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्ति पूछी गई आपसे कि तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर आपका सही राइट आंसर होगा एक यानी कि ये मानी जाती है महादेव वर्मा जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है महादेवी वर्मा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं। तो इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। 4700 प्रश्न होंगे और इस ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। और सभी लोग लाइक अवश्य कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करते जाइएगा और एक बार शेयर भी कर दें वीडियो को जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनु जी, रौली जी, उर्मिला जी, विजय शंकर जी और ममता जी, एस शर्मा जी, अनिल जी, प्रीति जी, उर्मिला जी, वैष्णवी जी, पिंकी जी, अनीता जी, मेघा जी, रीमा जी, शिल्पा जी, शेरनी जी और राखी जी, पार्वती जी, दीपमाला जी, दीपक पवार जी, मेघा जी और तनु जी, शिल्पा जी, कंचन जी, कोमल साहू जी, पूनम गुप्ता जी, निशा जी, पार्वती जी, संजू जी, हाँ संजू जी और रेखा जी। रेखा जी रोज अपनी क्लास होती है, जुड़िएगा सभी लोग। राजन जी और यहाँ पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शंकर जी बिल्कुल, और तन्मय शर्मा जी और प्रमा शर्मा जी बिल्कुल, मीनाक्षी जी, ममता मेहता अधिकारी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीमा जी, संगीता जी, सिरनी जी, कंचन जी, लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और इसी तरह से रोज जुड़िएगा। उर्मिला जी, अनिल तिवारी जी और शिल्पा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में, बस इतना ही। तो सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।